लाइट चैप्टर आप क्लास सिक्स से पढ़ना स्टार्ट करते हो, सिक्स में, सेवेंथ में, एट्थ में, देन टेंथ में, देन क्लास ट्वेल्थ में लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आप पढ़ते ही रहते हो दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट रे आएगी एक पॉइज्ड सर्फेस पे स्ट्राइक करेगी उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, एक नॉर्मल बनाई जाती है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई और फिनोमिना है जो आप पढ़ते हो? यस, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में भी आपको पढ़ाया जाता है कि एक इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, वो एक दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के वो या तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है या नॉर्मल से अवे बेंड होती है, मतलब बेंड जरूर होती है जब उसका मीडियम चेंज होता है, तो उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है इन दोनों चीजों में क्या कॉमन चीज है, मींस रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या कॉमन चीज है? टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ है। यस, इट इज कॉल्ड एज रे नेचर ऑफ लाइट। कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन को समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि लाइट के पास कैसा नेचर है, रे नेचर है। जो लाइट है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और पार्टिकल जब एक रास्ता ट्रेवल करते हैं करता है तो उस रास्ते को हम एक रे की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। तो दैट मींस रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना हो आप लाइट का कौन सा फिनोमिना यूज करोगे, दैट बेसिकली प्रॉपर्टी यूज करोगे, जो लाइट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एज द रे नेचर। सिमिलरली रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आप लाइट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हो, दैट इज अगेन द रे नेचर। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, आपने ये भी बहुत बार अपनी बुक्स वगैरह में फोटोग्राफ देखी होगी, अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है कि आपको जो पेंसिल है उसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा रेज्ड दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो कि लाइट रे जो बेस से आ रही है बेंड करेगी, हमारी आंखें उस डायरेक्शन में वापस देंगी देखेंगी तो बेस जो है थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अगेन इस पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आप लाइट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज करोगे, दैट इज द रे नेचर। तो कहने का मेरा ये मतलब है ये सारे फिनोमिना जो अभी मैंने आपको बताए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद ये जैसे प्रैक्टिकल फिनोमिना जिनको हम स्टडी करते हैं, इन सभी को समझने और समझाने के लिए हमें लाइट का रे नेचर कंसिडर करना पड़ता है। बट ये बातें जो थी ये काफी पुरानी बातें थे, यू कैन से न्यूटन के टाइम की बातें, जब न्यूटन ने एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को प्रोवाइड किया था, जब दिया था उन्होंने बोला था लाइट जो है वो कॉर्पस्कल्स के से मिलकर बनी होती है और जो रे नेचर ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा बेसिकली उसके फेवर में थे कि लाइट का रे नेचर ही होता है। कैसा नेचर होता है लाइट का? लाइट का रे नेचर होता है। न्यूटन इसके बहुत ज्यादा हक में थे, फेवर में थे। तो उनके ही टाइम पे कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट आई और उनका मानना था कि रे नेचर और सारे के सारे फिनोमिनाज जो हैं वो हम रे नेचर के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, यंग करके एक एक्सपेरिमेंट थे, नाम था उनका, तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। अब मेरे को एक बात बताओ, जो चीज आपको सामने दिख रही है वो झूठ तो नहीं हो सकती? लोग जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, वो शुरू से ही ये डिबेट करते थे कि लाइट एक वेव है या एक रे है, उसके पास कौन सा नेचर है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे फिनोमिनाज की जैसे मैंने अभी आपको दिखाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ऐसे कुछ प्रैक्टिकल फिनोमिनाज, इनको तो हम रे नेचर को यूज करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर जब थॉमस यंग ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, अब जब एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहा है तो वो चीजें जो रिजल्ट हमें दिख रही हैं वो तो सच है, उसको तो आप झुठला नहीं सकते। अब उन्होंने देखा क्या, उन्होंने ये देखा जब उन्होंने एक लाइट को पास करवाया दो स्लिट्स में से, दो होल्स में से, इसीलिए इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिटेल में तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा पर हाँ उतना जरूर बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए हमारा कॉन्सेप्ट। एक सोर्स ऑफ लाइट को जब आप पास करवाते हो दो स्लिट्स में से छोटे छोटे साइज की और उसके सामने जब आप स्क्रीन रखते हो तो आप क्या देखते हो कि वहां पे आपको ब्राइट डार्क ऐसे बैंड्स दिखने स्टार्ट होंगे। ये दिख रहे हैं ना आपको,
बेसिकली कहीं जगह आपको डार्क दिख रहा है, किसी जगह आपको ब्राइट दिख रहा है, किसी जगह डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो सबने सोचना स्टार्ट किया कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। अब हमारे दिमाग में आया कि लाइट का तो कैसा नेचर होता है, रे नेचर होता है, पर क्या रे नेचर को मान के आप इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है और सच है? नहीं, कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि रे नेचर नहीं है लाइट का। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि रे नेचर नहीं है तो हम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, रिफ्रैक्शन को करना है, इसको करना है, रे नेचर तो चाहिए। पर ये भी तो सच्चाई है क्योंकि लैब में हुई है ये, यहां पे बैंड्स हमें दिख रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे कुछ जगह आपको ज्यादा रोशनी दिखी, कुछ जगह आपको डार्कनेस दिखी, रोशनी डार्कनेस ऐसे बैंड्स दिखे। अब फिजिस्ट ने अपनी नॉलेज यूज करी, उन्होंने बोला ऐसा तो एक ही केस में हो सकता है कि लाइट रे को हम एक वेव फॉर्म में माने, जैसे ये लाइट रेज हैं, ठीक है, ऐसे वेव फॉर्म में, और एक और लाइट रेज आई दूसरे स्लिट से जो कि यू कैन से कुछ इस तरीके से आई, लाइक दिस, ठीक है, बियर विद माय डायग्राम। तो यहां पे क्या हुआ, देखो आप सभी को पता है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। अब इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक दूसरे में जाके इंटरफेयर करना। अब मान लो ये दो लाइट रेज इंटरफेयर करती हैं और क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आता है तो एक बड़ा क्रेस्ट बनेगा, और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है तो एक बड़ा ट्रफ बनेगा। तो ऐसे ही बड़ा क्रेस्ट बड़ा ट्रफ, दैट मीन्स आपको वो जगह कैसी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि एक लाइट रे आपकी ऐसे थी, ऐसे 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 ऐसे, एंड एक दूसरी लाइट रे आई जिसमें कुछ इस तरीके से काम हुआ कि पहली वाली के क्रेस्ट के नीचे दूसरी का ट्रफ आ गया, समथिंग लाइक दिस। तो अब होगा क्या, जब इंटरफेरेंस होगी तो उस केस में क्या होगा, क्रेस्ट पे आया ट्रफ, ट्रफ पे आया क्रेस्ट, क्रेस्ट पे आया ट्रफ, ट्रफ पे आया क्रेस्ट, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें हमें डार्क बैंड दिखेगा। तो कहने का मतलब है इस इंटरफेरेंस वाली चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप रे नेचर को नहीं मान के चल सकते, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि लाइट के पास कौन सा है, वेव नेचर है। अब ये तो यार दिक्कत वाली बात हो गई, अब लाइट के पास रे नेचर है या वेव नेचर है, क्योंकि रे नेचर ना एज्यूम करें तो ये समझ में नहीं आता, अगर वेव नेचर ना एज्यूम करें तो ये समझ में नहीं आता। इनफैक्ट सिर्फ इसी की बात नहीं है, एक और फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब आपकी लाइट के रास्ते में ऐसे पार्टिकल्स आ जाएं जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो या उससे कम हो, तब लाइट क्या करती है, उनके कॉर्नर्स से बेंड कर जाती है। अब बेंड कौन कर पाएगा, बेंडिंग वाला फिनोमिना कौन, बेसिकली मतलब ऐसे कॉर्नर से बेंड कर जाना, और जैसे पैटर्न्स हमें सामने दिखते हैं फिर उसके बाद वो सारे का सारा जो पैटर्न्स हैं और इस पूरे के पूरे डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है उसको भी हम किससे एक्सप्लेन कर पाएंगे, वेव नेचर से। अब डिफ्रैक्शन और ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना है, अपने आप में बड़े टॉपिक्स हैं, 12th क्लास में जाके आप ये वहां पे जाके स्टडी करोगे, पर अभी मैं आपको ये बता रहा हूं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे कुछ ऐसे फिनोमिना जिनको हम वेव नेचर के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई, बड़ी असमंजस की सिचुएशन होगी, कन्फ्यूजन बहुत है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो रे नेचर से आएंगे और ये वेव नेचर से आएंगे। अच्छा, एक और फिनोमिना होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, पीछे से लाइट रेज आ रही हैं और वो क्या करती हैं, जब एक सरफेस पे मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होते हैं, वो ऐसे ऐसे साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं तब हमें रे नेचर को मानना पड़ता है, मतलब यहां पे वेव नेचर आपका फेल हो जाता है। वेव नेचर कैसे फेल हो जाता है वो मैं आपको एक वीडियो में अलग से बना के डिटेल में बताऊंगा, पर आपको हल्का सा आइडिया देने के लिए देखो, अगर यहाँ पे वेव नेचर हम मान के चलें तो वेव्स जो हैं वो अंदर जाएंगी, जब एब्जॉर्ब होंगी तो वो अपनी जब एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देंगी तो इलेक्ट्रॉन टाइम लेगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, और जब एक बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास आ जाएगी तब वो मेटेलिक सर्फेस से बाहर जाएगा। पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में कि इंस्टेंट रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इंस्टेंट तो तभी हो सकते हैं कि मान लो पीछे से कोई पार्टिकल आया, उसने यहाँ पे स्ट्राइक किया और उस पार्टिकल ने इसको यहां से बाहर निकाल दिया। अब तो भाई भयंकर कंफ्यूजन हो गई थी, करें क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लैब में किया हमने पर इसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, रे करता है। अच्छा,
डिफ्रैक्शन देखा हमने, फिर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए अपनी लैब में। अब इनको रे नेचर नहीं कर सकता, वेव नेचर करता है। तो अब तो भैया बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि लाइट के पास कैसा नेचर है, रे नेचर है या वेव नेचर है। तो बहुत ज़्यादा मंथन हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई इस पे। तो एक चीज़ फाइनलाइज करी सभी ने कि लाइट के पास डुअल नेचर है, लाइट के पास डुअल नेचर है, और जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो अपना वैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के केस में रे नेचर सामने आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रे नेचर सामने आता है, उसके बाद इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन में आपका वेव नेचर सामने आता है, दैट मीन्स उसका डुअल नेचर है। तो अब क्या करें, अब इसको बार बार ऐसे बोलेंगे कि वो पार्टिकल आया, अच्छा अब वेव आई, करें क्या, डुअल नेचर तो एस्टैब्लिश हो गया। तो फिर एक फाइनल सॉल्यूशन ये बना जिस पे सब ने अग्री किया, और सॉल्यूशन ये बना कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसमें, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। आप समझते हो ना, पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक पैकेट ऐसा होता है, पैकेट नॉर्मली क्या नाम है, पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब इंग्लिश का वर्ड है पैकेट। पैकेट क्या होता है, पैकेट जैसा ही होता है। अब उस पैकेट को एज अ होल अगर आप एक पैकेट मानो, एक ऑब्जेक्ट मानो, तो वो एक पार्टिकल का काम करेगा, और जब वो चलेगा तो वो एक रे बनेगी, तो उससे बनेगा रे नेचर। पर अगर हम पार्टिकल को खोल के देखें, ये सॉरी बेसिकली ये जो पार्टिकल है इसको जब हम पार्टिकल को हम खोल के देखें, अंदर जाके देखें, तो इसके अंदर हमें ऑसिलेटिंग वेव वो दिखती हैं, ऑसिलेटिंग फील्ड्स दिखती हैं या वेव्स दिखती हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम दिखाता हूं। तो फिर से मैं बताता हूं आपको, हम एक ऐसे कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे जिसने हमारा रे नेचर और वेव नेचर दोनों का सॉल्यूशन दे दिया, कि हम क्या मानेंगे कि लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हुई है, और इनका नाम हमने रखा फोटोन। अब जैसे है तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अब सबके लास्ट में ऑन 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 लगा हुआ है ना, तो सिमिलरली हमने इसके भी पीछे ऑन लगाया और फोटो वर्ड यूज किया, बिकॉज फोटो रिप्रेजेंट्स लाइट, फोटो इज द वर्ड रिलेटेड टू लाइट, तो फोटो ऑन, तो फोटोन। तो फोटोन क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जो एज अ होल जब हम उसको एक पैकेट के तौर पे देखते हैं तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जब उस पैकेट के अंदर जाके देखते हैं तो हमें ऑसिलेटिंग फील्ड्स दिखती हैं, वेव्स दिखती हैं। तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम फोटोन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी जस्टिफाई हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, तो हेंस कम्स द फोटोन। तो फोटोन एक डिस्क्रीट का मतलब है, अलग अलग पैकेट्स होते हैं ये एनर्जी के, जिस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट। तो लाइट बेसिकली उसके अंदर डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और हर फोटोन के पास एनर्जी होती है E, जो कि प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, और उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो यहां पे देखो ध्यान से, जब हम इस फोटोन वाले पैकेट को, मान लो इस पूरी चीज को अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं ऐसे, तो ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है एक फोटोन बन गया, इस बॉक्स इस पैकेट के सॉरी ये पैकेट बन गया एक, इस पैकेट के अंदर जाके जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट बेसिकली कर रही होती हैं वो हमें दिखती हैं। तो देखो, पैकेट को ओपन करोगे तो वेव नेचर दिखेगा, पैकेट के अंदर जाओगे तो वेव नेचर दिखेगा, बाहर से एज अ होल पैकेट उसको लोगे तो रे नेचर दिखेगा, है तो वो फोटोन ही है। तो फोटोन एक आंसर है दोनों कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कि रे नेचर है या वेव नेचर है। तो लाइट के पास डुअल नेचर है, आंसर कहां पे, फोटोन में। फोटोन दोनों नेचर्स को जस्टिफाई करता है, फाइन। सो आई होप अब आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि ये फोटोन बेसिकली क्यों आया, कहां से आया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, लाइट का कैसा नेचर होता है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन एन ईजी वे, ठीक है। अगेन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर टॉपिक अगर आपको लगता है फिजिक्स से रिलेटेड, प्लस वन प्लस टू नाइन्थ टेंथ का कोई भी टॉपिक, उसमें अगर आपको इजी एक्सप्लेनेशन में वीडियो चाहिए, देन आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। तो बस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते रहा करो, हाउ यू आर यू लाइकिंग दीज वीडियोज और नॉट, या कोई और बेटर इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, आई विल वर्क ऑन दैट, फाइन।
तो चलो ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. फोटोन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था इजी वे में, सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. सो एनी सजेशंस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.